आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार। तो आज हम आए हैं घूमने के लिए फिरोजपुर के एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है हुसैनीवाला। कहा जाता है और माना जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जो अंतिम शीश थे वह उनका संस्कार इस जगह पर हुआ था। तो आइए इस बहुत ही ऐतिहासिक जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अभी जिस जगह पर हम हैं यह है पंजाब का लास्ट रेलवे स्टेशन है और कह सकते हैं कि इसके बाद पंजाब की हद खत्म हो जाती है और पाकिस्तान शुरू हो जाता है। यह जो रेलवे स्टेशन है ये पंजाब का लास्ट रेलवे स्टेशन है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर रेलवे की सारी सर्विसेज बंद हो चुकी हैं। तो जब यह चलता था तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती थी, पर आज देखिए यह जगह सुनसान पड़ी है। ये देखिए, यह है टिकट विंडो जो कि पहले बहुत ही भरी हुई थी पर आज एकदम सुनसान हो चुकी है। आइए अब जानते हैं कि क्यों हुसैनीवाला गांव को लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव दे दिए थे। तो बात कुछ ऐसी है कि असेंबली में बम फेंकने के बाद जब अदालत में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई तो अंग्रेजों ने जन विद्रोह छेड़ने के डर से फांसी की सजा के लिए तय तारीख से एक दिन पहले ही तीनों लोगों को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया और तीनों शवों को लाहौर के से करीब 45 किलोमीटर दूर गांव हुसैनीवाला के साथ गुजरती सतलुज दरिया के किनारे लाया गया। फिर उसके बाद सतलुज दरिया के किनारे पर रीति रिवाजों के बिना तीनों के शवों को जलाकर अवशेष को सतलुज दरिया में फेंक दिया गया। इसके बाद हुसैनीवाला में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधियां बनाई गई। बंटवारे के बाद गुलाम हुसैनीवाला गांव पाकिस्तान में चला गया। तक यह क्षेत्र पाकिस्तान के पास रहा और उन्होंने भारत के इन महान शहीदों की याद में कोई भी स्मारक बनाने की परवाह नहीं की। यह बात 1962 की है जब भारत के फाजिलका के पास 12 गांव भारत ने पाकिस्तान को दिए थे और बदले में इस हुसैनीवाला गांव को पाकिस्तान से लिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुसैनीवाला पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 3 दिसंबर को शाम के समय पाकिस्तान की 106वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की इकाइयों ने गांव पर हमला कर दिया, जिसका बचाव पंजाब की बटालियन जो कि 15वीं थी उसने किया था। मेजर कमलजीत संधू, एक भारतीय कमांडर, बुरी तरह से घायल हो गए और मेजर एसपीएस वड़ैंज के पकड़े जाने की सूचना मिली थी। एक पाकिस्तानी वीडियो समाचार प्रसारण ने जो उर्दू में किया गया था उसमें बताया गया कि मेजर वड़ैंज पाकिस्तान में हमारी हिरासत में है। बाद में एक रिपोर्ट आई कि मेजर वड़ैंज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जेल में है, उनकी वर्तमान स्थिति अज्ञात है। उन्हें मेजर अशोक सूरी सहित 52 अन्य लोगों के साथ भारत सरकार द्वारा
लापता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिन्होंने 1975 में कराची से अपने पिता को एक पत्र लिखा था, यह कहते हुए कि वह जीवित हैं और ठीक हैं। पाकिस्तान ने कार्रवाई के दौरान मेजर अशोक सूरी सहित 52 अन्य लोगों को अपनी हिरासत में होने से मना कर दिया। हम भारतीय सदैव ही इन सूरवीरों पर हमेशा गर्व करते रहेंगे। भारत ने इस गांव को विशेष रूप से पाकिस्तान से इसलिए लिया क्योंकि यह शहीदों की निशानियों और देशवासियों की भावनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधियों के अलावा भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त की समाधि भी यहां पर है। इसके अलावा भगत सिंह की माता विद्यावती देवी, जिन्हें पंजाब माता का खिताब दिया गया था, उनकी समाधि भी उनकी इच्छा के अनुसार यहीं पर बनाई गई है। आपको यहाँ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर आना चाहिए ताकि आपको भी यह पता चल सके कि हमारे देश को कितनी मुश्किलों के बाद ही आजादी प्राप्त हुई थी। भारत की तरफ से यह चेक पोस्ट जीरो लाइन से करीब 100 फीट और पाकिस्तान से 600 फीट की दूरी पर है। पाकिस्तान की तरफ चेक पोस्ट का नाम गंडा सिंह वाला पोस्ट है। रेखा के दोनों ओर 15 फुट की दूरी पर दिन के समय भारत पाक राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। भारत की ओर सिर्फ 1 किलोमीटर पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के स्मारक बने हुए हैं। पाकिस्तान इस जगह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था, जिसलिए उसने गोलाबारी की, जिसके निशान आज भी इस जगह की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। बंटवारे से पहले कसूर से होती हुई ट्रेनें हुसैनीवाला तक आती थी। उनकी पूरी जानकारी एवं वो किन किन स्थानों पर रुकती थी, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन इस ट्रेन के डिब्बे में दी जाती है। तो आप यहाँ पर आकर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के बहुत ही अच्छे मित्र थे। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था तो उनके साथ बटुकेश्वर दत्त ही थे। उनकी इच्छा थी कि उनका संस्कार उसी स्थान पर हो जहां पर भगत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाए, इसलिए इस स्थान पर बटुकेश्वर दत्त की समाधि भी बनी हुई है। सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु, श्री सुखदेव की याद में यहाँ पर अमर ज्योति जलाई गई है, जो कि निरंतर ही जलती रहती है।
सरदार भगत सिंह की मां विद्यावती जी को पंजाब माता का खिताब दिया गया है। वह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हृदय वाली मां थी। उन्होंने सदैव ही भगत सिंह का हौसला बढ़ाया था। उनकी यह इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर हो, इसलिए उनका अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया गया और यहाँ जो आप देख रहे हैं उनकी समाधि बनाई हुई है। यह जो आप रेलवे का पुल देख रहे हैं इसे युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया था। आपको फिरोजपुर के हुसैनी वाला बॉर्डर की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए।